हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं शिवानी शर्मा आपका अपनी वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ एक चटपटी मसाला रेसिपी, जिसका नाम है चना और पीनट मसाला। तो इसके लिए हमें चाहिए पीनट, हरा धनिया, टमाटर, कच्चे चने और ये अनार, गाजर, लेमन का जूस। तो फ्रेंड, ये है विदाउट कुकिंग फायर। इसमें हम कोई आग यूज़ नहीं करेंगे, कोई आग से बनी हुई चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये वैसे भी बहुत हेल्दी रहेगा, छोटी मोटी भूख के लिए और अपने बच्चों को देने के लिए ये बहुत हेल्दी रहेगा। आप भी ट्राई कीजिए। आप लोग चाहें तो इसमें और भी कुछ सब्जी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं अभी यही ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा सब्जी ऐसी कुछ नहीं खाते हैं, तो गाजर खा लेते हैं वो खूब, अनार ये सब खा लेते हैं। तो मैं इसी से अपनी वीडियो बनाऊँगी, इसी से अपनी रेसिपी बनाने की शुरुआत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हम अपनी रेसिपी बनाने शुरू करते हैं। पीनट एंड कच्चा चना। तो पहले मैंने ली है कच्ची मूंगफली, कच्चे चने, टमाटर, अनार, गाजर, हरा धनिया। फ्रेंड, इसमें मैं ज़्यादा कोई मसाले ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये बच्चों के लिए है। तो इसमें मैंने बस चाट मसाला और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। ये लेमन का जूस। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए, ये दिखने में कितनी कलरफुल और चटपटी सी लग रही है। आप इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें ना तो कोई ऑयल है फ्रेंड, ना ही आपका कोई भी तीखा मसाला है। आपके बच्चे बहुत अच्छे से खा सकते हैं। इसको हम क्या नाम से बोलेंगे, पीनट चना मसाला। तो आप देख सकते हैं ये कितनी जल्दी बन गई है और कितनी हेल्पफुल है। तो अब मैं इसको सर्व करती हूँ अपने बच्चों के लिए। आप भी ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और अनार के दाने। तो आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। बाय, हैव अ गुड डे।